हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मंगल दोष पर हमारी चर्चा चल रही थी। लास्ट टू वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर किया किस तरह से 1, 4, 7, 8, 12 भाव में बैठकर मंगल किसी व्यक्ति के स्वभाव को, उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। मैंने आपके साथ शेयर किया कि इन भावों में बैठने से कोई मंगल दोष नहीं बनता। इन भावों में मंगल का बैठना उतना ही सामान्य है जितना अन्य ग्रहों का बैठना है, मगर इसका मनुष्य की एक नेचर पर प्रभाव आता है जिसकी वजह से शायद इसको एक दोष मान लिया गया, बाकी ये कोई दोष नहीं है। इन दोनों पॉइंट्स को समझने के लिए आप वो वीडियोस आप देख सकते हैं, उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा कि किस तरह से इन भावों में बैठने पर मंगल आपको प्रभावित करता है। अगर आपका 4 भाव में मंगल है तो आपको किस तरह का इफेक्ट देगा, क्यों इसको एक दोष मान लिया गया। जबकि सत्य ये है कि मंगल पर जब तक नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होंगे तब तक मंगल दोष नहीं बनेगा। वो नेगेटिव इफेक्ट्स किस तरह के हैं वो भी मैंने उन वीडियोस में आपके साथ शेयर किए, आने वाली वीडियोस में भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस भ्रम के बाद कि मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में बैठे तो मंगल दोष बनाता है, एक और भ्रम समाज में बड़ा प्रचलित है कि मंगल दोष वाले जातक को 28 वर्ष की उम्र से पहले विवाह नहीं करना चाहिए, या फिर 28 वर्ष की उम्र के बाद मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाता है। एक लकीर के फकीर हम बन गए, कहीं पढ़ लिया, किसी ने बता दिया कि 28 के बाद मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाएगा, या फिर मंगल दोष अगर चार्ट में है तो कह दिया कि भाई इस व्यक्ति की शादी 28 से पहले नहीं हो सकती, या देखा किसी का अष्टम भाव में मंगल बैठा है। मैंने देखा है खुद बहुत सारे लोगों को इस तरह की बातें करते हुए कि अष्टम में अगर मंगल बैठा है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है और ऐसे व्यक्ति को 28 से पहले अगर शादी करने ही नहीं चाहिए, और अगर वो करता है तो उसकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा परेशानी आती है। जबकि ये एक भ्रम है, क्यों 28 के बाद मंगल इन भावों में बैठने पर शादी को बताया गया है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और किस तरह से 28 के बाद मंगल दोष कंट्रोल हो जाता है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मंगल दोष क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल के बैठने से एक विशेष प्रकार का स्वभाव व्यक्ति के अंदर आता है। मंगल क्या है, ऊर्जा है, शक्ति है, अहंकार है, ईगो है। तो मंगल की क्वालिटीज़ हैं जो अलग अलग भावों में बैठने पर मनुष्य के स्वभाव में प्रदर्शित होती हैं। अब मान लीजिएगा किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कहेंगे, आप उससे ये कहेंगे ना भाई आप मेडिटेशन कीजिएगा, आप प्रयास कीजिएगा कि आपका गुस्सा कंट्रोल हो। और एक और बात आप उससे कहेंगे, आप देखिए कोई बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, 10-12 साल का है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर गुस्सा है, तो अक्सर बड़े लोग या माँ बाप कहते हैं कि भाई जैसे जैसे बड़ा होगा ठीक होता जाएगा। सेम स्थिति मंगल दोष के साथ होती है। आप देखेंगे अगर कोई व्यक्ति मंगल के सप्तम भाव में बैठने से सेक्सुअल डिजायर से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है तो उसमें भी आप देखेंगे एक एज के बाद वो डिज़ायर्स कम हो जाती हैं। मगर वो होता किस तरह से, क्यों होता है, कहाँ से ये 28 की अवधारणा आई, ये मैं आपको बताता हूँ। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो शक्ति और ऊर्जा है, और उसको कंट्रोल केवल नवग्रह में एक ही ग्रह कर सकता है, शनि। शनि क्यों कर सकता है, शनि को जैसे आपने सुना होगा मंद का कारक है, शनि हमारे कर्म का कारक है। अब किसी व्यक्ति को ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, उसको खुद से प्रयास करना होगा, उसको कर्म करना होगा कि मेरा गुस्सा कंट्रोल में आ जाए। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो कभी भी आपका गुस्सा कंट्रोल में नहीं आएगा। तो जब भी किसी व्यक्ति का शनि मंगल को प्रभाव देगा तब उसके मंगल की जो क्वालिटीज़ हैं जो उसकी नेचर में आई हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगी। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो 28 में ही हो सकता है जन्म के दूसरे साल ही या जन्म के पहले साल ही उस व्यक्ति की ये क्वालिटीज़ कंट्रोल में आ जाएं। ये 28 के जो एक टाइम बना दिया गया ये एक लकीर के फकीर बनने वाली बात है। किस तरह से मैं आपको बताता हूँ, और किस तरह से शनि और कब कंट्रोल करेगा ये मैं आपको बताता हूँ। शनि जब भी गोचर में मंगल को अपना प्रभाव देगा, मंगल के ऊपर से गुजरेगा, तब मंगल की क्वालिटीज कंट्रोल में आ जाएंगी। अगर किसी व्यक्ति के शनि और मंगल की युति है, मान लीजिएगा मंगल 15 डिग्री का है और शनि 10 डिग्री का है युति में, जन्म के
कुछ महीने बाद ही शनि मंगल को क्रॉस कर लेगा, यानी मंगल को अपने कंट्रोल में ले लेगा। तो आप कह सकते हैं कि जन्म के कुछ महीने बाद ही इस व्यक्ति का मंगल दोष भंग हो गया, या कहें मंगल की क्वालिटीज कंट्रोल में आ गई। तो अगर किसी व्यक्ति का शनि और मंगल की युति है और उसमें भी शनि कम डिग्री का है, तो आप उस व्यक्ति को कह ही नहीं सकते कि ये मांगलिक है। पराशरी में भी अक्सर ये कहा जाता है, जब कुंडली मिलान करते हैं, जिस भाव में किसी व्यक्ति का मंगल बैठा हो, अगर उसी भाव में उसके पार्टनर का शनि बैठा हो, तो भी मंगल दोष भंग होता है। तो मंगल दोष जो भंग होता है, या मंगल की जो क्वालिटीज कंट्रोल में आती हैं, उनको केवल शनि के द्वारा किया है कंट्रोल किया जा सकता है। तो शनि जब भी मंगल को प्रभाव देगा, तब उस व्यक्ति का मंगल दोष भंग हो जाएगा, या मंगल की क्वालिटीज भंग हो जाएंगी। मंगल दोष मैं बार बार इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि हम मंगल दोष को मंगल के 1, 4, 7, 8, 12 में बैठने को मानते ही नहीं है, मगर आम चलन की भाषा में ये शब्द है और आपको मेरी बात क्लियर हो पाए, इसलिए मैं बार बार मंगल दोष शब्द यूज कर रहा हूं। आप कभी भी मानकर ना चले कि 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल के बैठने को मैं मंगल दोष मान रहा हूं। ये पहली कंडीशन हुई। अब मान लीजिएगा किसी नेटिव का शनि बैठा है लग्न में और शनि से चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है। लग्न कोई भी हो सकता है, राशि कोई भी हो सकती है, यहां हम केवल ट्रांजिट ले रहे हैं। आप समझ लीजिएगा मंगल से अगर दशम भाव में शनि बैठा है तो मंगल दोष कब भंग होगा? ऐसे व्यक्ति का मंगल दोष उसके जन्म के 10वें साल ही भंग हो जाएगा। 10 से 12 साल के बीच में उसका मंगल दोष भंग हो जाएगा, जब भी शनि मंगल की डिग्रीज को क्रॉस कर लेगा। शनि को मंगल तक आने में, यानी कि अगर शनि लग्न में बैठा है और मंगल चतुर्थ भाव में बैठा है, तो शनि को मंगल तक आने में 10 साल लगेंगे और डिग्रीज के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा 11 या 12 साल। तो यानी कि जिस समय भी शनि मंगल की डिग्री क्रॉस कर लेगा, उस समय मंगल दोष कंट्रोल में आ जाएगा। यानी कि उस व्यक्ति के कर्मों से, उसके प्रयासों से उसका गुस्सा कंट्रोल में आ जाएगा, या उसकी वो एनर्जी कंट्रोल में आ जाएगी जिसे आप शायद नेगेटिव समझ रहे हैं। सेम अगर मंगल और शनि का सम सप्तक योग है, एक दूसरे से सम सप्तक बैठे हैं किसी भी चार्ट में, तो आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का मंगल दोष 15 से 17 वर्ष की अवस्था में ही भंग हो गया। 17 वर्ष की अवस्था के बाद वो मंगली रहा ही नहीं, आप किसी भी ऐसी कुंडली से जो नॉन मांगलिक है उसका विवाह करा सकते हैं। सेम अगर शनि और मंगल एक दूसरे से 6 और 8 है, यानी कि शनि से मंगल अष्टम भाव में बैठा है, तो यहाँ पर 15, 2, 17, 18 वर्ष आप लगा लीजिएगा, क्योंकि डिग्रीज में डिफरेंस हो सकता है। हो सकता है 18 साल की उम्र में मंगल की डिग्रीज क्रॉस करे। अगर मान लो मंगल 29 डिग्री का हुआ और शनि यहाँ 1 डिग्री का हुआ, तो 18 साल लग जाएंगे लगभग। अब आता है 12वां भाव, जो 28 की अवधारणा आई है वो मैं आपको बताता हूं। अगर शनि से मंगल 12वां भाव में बैठा है, तो शनि को मंगल तक पहुंचने में लगभग 27-28 वर्ष लगेंगे और मंगल को क्रॉस करने में 28 या 29 वर्ष लग जाते हैं। तो 28 वर्ष के बाद ऐसे व्यक्ति को विवाह करना चाहिए जो मंगली हो। ये अवधारणा यहां से आई है। ऋषियों ने एक मैक्सिमम टाइम पीरियड लिख दिया बुक्स में और लोगों ने उस चीज को केवल एक लकीर के फकीर बनकर एक लाइन पकड़ ली कि उस बुक में लिखा था कि मांगलिक व्यक्ति को 28 से पहले विवाह नहीं करना चाहिए। क्यों, कैसे, इस बारे में कोई विचार नहीं किया और एक लाइन पकड़ ली। इसी से ज्योतिष में भ्रांतियां आनी पैदा हुई। ऋषियों ने बहुत सोच समझ के, बहुत कैलकुलेट करके सूत्र दिए। उन्होंने सारी कैलकुलेशन निकालकर केवल एक फिक्स टाइम के रूप में लिख दिया, मगर यहां क्या करा उस चीज को तो समझा नहीं। अगर किसी का मंगल लग्न में अगर शनि के साथ बैठा है, तो उसके लिए भी 28 की कैलकुलेशन बना दी। किसी का 12वां भाव में बैठा है, तो उसके लिए भी 28 की कैलकुलेशन बना दी। जबकि सत्य यह है कि अगर हम मानकर चलते हैं कि मंगल को
चार भाव में बैठने पर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा है या उसके स्वभाव में नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं जिस वजह से उसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, तो भी हम शनि का ट्रांजिट देखेंगे कि शनि ने मंगल को कब कंट्रोल किया, उस व्यक्ति के प्रयासों ने कब कंट्रोल किया। जिस समय भी शनि मंगल को अपना प्रभाव दे देगा उस समय से उस व्यक्ति के प्रयास शुरू हो जाएंगे मंगल की क्वालिटीज को कंट्रोल करने में। मान लीजिएगा यहाँ 2 साल का बच्चा है, उसे तो पता ही नहीं कि मेरे अंदर इतनी उछल कूद है या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ठीक है, मगर वहाँ से उसके कर्मों की वो यात्रा शुरू हो गई कि वो उस मंगल दोष को कंट्रोल कर सके। संभव है वो 21 साल के बाद उतनी उछल कूद ना करे या मंगल की जो नेगेटिव क्वालिटीज लगन में बैठने पर भी उस व्यक्ति के स्वभाव में ना मिले। तो ये जो एक मान लिया गया कि 28 के बाद मंगल दोष भंग हो जाएगा, ये पूरी तरह से एक भ्रम है। और मेरा प्रयास ज्योतिष से इसी तरह के भ्रम, इसी तरह की भ्रांतियां दूर करने का है। होपफुली आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।